देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। वाराणसी सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा में, जैसे आप जानते हैं कि जो कि शादी विवाह में दूल्हे के सिर पे सोने वाली पगड़ी, जो कि वो रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए तो वो दूल्हे के घर की ही होती है, लेकिन आज लल्लापुरा में एक ऐसा घराना है जहाँ पे वो हर तरह की पगड़ियाँ बनाती हैं। लेकिन हालांकि जब हमने अभी अभी बात किया थी, यहाँ से कहना है भाइयों का कि जिस तरह से हम लोग ये पगड़ी लगभग 500 पीढ़ी से बना तो रहे हैं, लेकिन आज इस लॉकडाउन में बहुत ही बुरी स्थिति है। मान लीजिए कि 5% में 1% हम लोग का चल रहा है। तो आइए हम यहाँ पे भाई लोग जो बना रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी पगड़ी बनती है वो कहाँ कहाँ जाती है और कितने जिले में जाती है। बहुत दिन से चला आ रहा है 500 पीढ़ी दर पीढ़ी। तो एक दिन में कितने पगड़ी बन जाती है भैया? 15-20 पगड़ी बन जाती है। रामनगर भी किले में जा चुकी है, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, सभी जगह जाती है। एक पगड़ी कितनी का होते हैं अभी? एक पगड़ी का रेंज? एक पगड़ी का रेंज 1000 रुपये। इस वक्त तो नहीं निकल पा रही है मेहनत की मजदूरी, हालात बहुत ख़राब है लॉकडाउन की वजह से। ये ब्याह शादी के लिए, शादी के अवसर पर बनती है। और इस पगड़ी में कितना खर्च आ जाता होगा? 500 से लेकर 1000, 1200, 1500, 2000, बहुत सारा असर पड़ा हुआ है। माल बाहर नहीं जा पा रहा है, बहुत सारा माल रखा हुआ है बंद करके। 5% चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं मिला हमको, कोई आदेश नहीं हुआ, कहीं से बन नहीं पाया। बच्चियों को हम बना के स्टॉक रख रहे हैं, अभी कोई सेल नहीं है। तो ज़्यादा पगड़ियाँ की घींच कब होती हैं मार्केटिंग में? पगड़िया में शादी ब्याह जब लगन होती है, उनकी खींच होती है, और प्रोग्राम वगैरह कुछ होता है, फंक्शन कुछ होता है, होती है। लेकिन इस टाइम के संबंध है, प्रोग्राम भी बंद है और शादी विवाह भी बंद है, कोई फंक्शन तो हो नहीं रहा है, कोई सहयोग नहीं। और एक पगड़ी बनती है काशी विश्वनाथ, रंगभरी एकादशी के मौके पर वो बारात निकलती है, उसमें पगड़ी हर साल। कितनी जाती होगी लगभग में, कितनी तक बन जाती है? बस वो हमारे लिए समझ लीजिए कि बहुत बड़ा इनाम है। कम से कम हमको सेवा करने का मौका मिला, कितने का तो सवाल ही नहीं। अच्छा, बस उनका आशीर्वाद बनारस वासियों पर बना रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्या बताया जाए, आप तो खुद समझ सकती हैं क्या परिस्थितियाँ आ सकती है। सब स्कूल गाले, सब लड़के बैठे हैं घर में, उनका भी खर्चा है, लड़के आजकल को सार का खर्चा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है तो लड़के लोग का खर्चा इसे चलेगा, जो बस चल रहा है ऊपर वाले के रहमो करम से बस चल जा रहा है, उसमें बस इनसे लेकर उनसे लेकर काम निकल जा रहा है, बस इस समय ये पोजीशन है। रोज एक रोज इंतजार हो रहा है कि शायद कल से कुछ हो, कल से कुछ हो, इसी पर सब आदमी आसरा लगाए हुए है। भैया ये 5 महीने में कुछ प्रशासन की तरफ से मदद मिली आप लोगों को? प्रशासन की तरफ से ये राशन जो अनुरोध हम लोग को मिल जा रहा है, 5 किलो चावल मिलता है और तो कुछ नहीं व्यवस्था है, कोई 5 किलो चावल मिलता है, वो भी चावल मिलता है 5 किलो तो उसको दूसरे के दे के तो कोई तेल मसाला की व्यवस्था कर लिया जाता है, इस तरह अपना काम चलाया जा रहा है। अब 5 किलो चावल तो खाली खाएगा ना आदमी, तुम्हें तेल चाहेगा, सब चीज़ में व्यवस्था कर रहे हैं, तो किसी को चावल जरूरत है उनको देकर उसी पैसे से दूसरा सामान ले लिया जाता है, बस इसी तरह चल रहा है गाड़ी, व्यवस्था किया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।